खबर चुनार से है। ग्राम रायपुरिया चुनार करीब 9 लोग सरई बांध जिला सीधी मध्य प्रदेश में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। कोरोना महामारी को देखते हुए 25 मार्च से लॉकडाउन के चलते किसी तरह एक महीना वहां बिताए, परंतु उसके बाद जब खाने को कुछ नहीं रहा तो वह वहां से घर आने का फैसला किया और उनको कोई वहां सुविधा न मिलने पर वहां से 26 अप्रैल को पैदल ही चल दिए। रात दिन भूखे प्यासे चलते चलते आज 1 मई को चुनार पहुंचे। चुनार पहुंचकर वो गंगा जी कर नहाए और वहां से अपने गांव रायपुरिया के प्रधान रमेश निषाद व युवा नेता अखिल कश्यप को सूचना देकर वे चुनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच कराने सीधे चले गए और वहां पर मौजूद डॉक्टर एस के वर्मा, धनेश सिंह, सर्वेश सिंह, अनिल पाठक और उनकी टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग करके उन्हें घर भेज दिया गया। वह थर्मल स्कैनिंग कर द्वारा पता चला कि इनमें कोरोना के अभी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके घर भेज दिया गया और डॉक्टर द्वारा यह निर्देश दिया गया कि 14 दिन तक वह अपने घर में रहें और घर वालों से भी ज्यादा संपर्क में न रहें। इन सभी लोगों की एक बात सराहनीय है कि ये स्वयं ही घर न जाकर अपनी जाँच कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जाँच करा कर घर गए। हॉस्पिटल पर कुछ गांव के लोग भी उपस्थित थे। प्रधान रमेश निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य अवधेश निषाद, विकास निषाद, अजीत बहादुर, युवा नेता भाजपा अखिल कश्यप, चुनार से गौतम कुमार खरवाल की रिपोर्ट।